क्रूज ड्रग्स केस में आर्यन खान को झटका, मुंबई की सेशंस कोर्ट ने नहीं दी बेल। 17 दिन बाद भी जेल में ही रहेंगे आर्यन खान, मुनमुन और अरबाज की बेल याचिका भी कोर्ट ने खारिज की। अब जमानत के लिए हाईकोर्ट जाएंगे आर्यन खान, पूरा ऑर्डर पढ़ने के बाद हाईकोर्ट में करेंगे अपील, कोर्ट से शाम तक मिलेगी फैसले की कॉपी। जमानत पर सुनवाई से पहले एनसीबी ने कोर्ट में आर्यन के व्हाट्सएप चैट सौंपे थे, आर्यन की एक उभरती एक्ट्रेस से चैट का जिक्र। शाहरुख आर्यन के बचाव में उतरे जावेद अख्तर, बोले हाई प्रोफाइल होने की कीमत चुका रहा है बॉलीवुड, बड़े लोगों पर कीचड़ उछालने में सबको आता है मजा। बीजेपी नेता राम कदम का महाराष्ट्र सरकार पर बड़ा आरोप, कहा ड्रग्स माफिया के सपोर्ट में पूरी सरकार खड़ी। देश में ड्रग्स के जाल को रोकने की कोशिश में जुटी केंद्र सरकार, ड्रग्स से संबंधित नारकोटिक्स एक्ट को और सख्ती से लागू किया जाएगा। कुशीनगर में पीएम मोदी ने 280 करोड़ की योजनाओं की आधारशिला रखी, 180 करोड़ की 12 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी किया। पीएम मोदी बोले शहर से गांव तक पूर्वांचल की तस्वीर बदलने वाली है, मेडिकल कॉलेज का सीमावर्ती इलाके को भी मिलेगा लाभ। पीएम मोदी ने कुशीनगर में लोगों से लोकल होने के लिए वोकल होने को कहा, दिवाली पर ज्यादा से ज्यादा लोकल प्रोडक्ट खरीदने को भी कहा। पीएम मोदी का अखिलेश पर अटैक, कहा पहले की सरकार की पहचान समाजवादियों की नहीं परिवारवादियों की बनी, केवल अपने परिवार का किया भला। पीएम मोदी का आरोप, यूपी में पहले माफियाओं को थी खुली छूट, खुली लूट, योगी राज में माफी मांगता दिख रहा है माफिया। पीएम मोदी ने फिर की योगी की तारीफ, कहा देश में प्रतिदिन सबसे ज्यादा वैक्सीन उत्तर प्रदेश में लग रही है, टीबी के खिलाफ जंग में भी उत्तर प्रदेश बेहतर कर रहा है। पीएम मोदी ने कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन किया, कहा कुशीनगर आज सीधे दुनिया से जुड़ा। पीएम मोदी ने कहा देश आज सबका साथ लेकर सबका विकास कर रहा है, कुशीनगर का विकास केंद्र और यूपी सरकार की प्राथमिकता। सीएम योगी ने कहा यूपी में 11 नए एयरपोर्ट का काम जारी, 11 एयरपोर्ट्स में 2 इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी शामिल। कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के उद्घाटन समारोह में शामिल हुए 12 देशों के डिप्लोमेट्स, श्रीलंका, जापान, म्यांमार जैसे देश शामिल। श्रीलंका के कैबिनेट मंत्री नमल राजपक्षे ने पीएम मोदी को भगवद गीता का सिंहली संस्करण भेंट किया, इसमें श्रीलंका के प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे का भी संदेश। पीएम मोदी ने कुशीनगर के महापरिनिर्वाण मंदिर में भगवान बुद्ध के किए दर्शन, बुद्ध को किया जीवदान। महापरिनिर्वाण मंदिर के मुख्य पुजारी ने पीएम मोदी को भेंट किया अंग वस्त्रम, यूपी के सीएम योगी और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी रहे मौजूद। भगवान बुद्ध के दर्शन के बाद पीएम मोदी पहुंचे महामंदिर के प्रांगण में, बोधि वृक्ष का किया पौधारोपण। बौद्ध भिक्षु के सामने नतमस्तक हुए प्रधानमंत्री, बौद्ध भिक्षुओं को भी किया चीर वरदान। पीएम मोदी ने श्रीलंका से आए बौद्ध भिक्षुओं का भी किया अभिवादन, कहा भिक्षुओं को सम्मान का मिला सौभाग्य। बौद्ध भिक्षुओं का भी है मोदी को संबोधन, कहा सम्राट अशोक के पुत्र महिंदा और पुत्र संघमित्रा श्रीलंका में लेकर आए थे बौद्ध धर्म का संदेश, आज ही के दिन वापस आए थे अरहंत महिंदा। पीएम मोदी ने कहा जहां भी बुद्ध के विचारों को अपनाया गया वहां कठिन परिस्थितियों में भी बने प्रगति के रास्ते। पीएम मोदी ने भगवान बुद्ध को आज भी संविधान की प्रेरणा बताया, कहा बुद्ध दिशाओं और सीमाओं से परे थे, बुद्ध का धम्म चक्र हमारे तिरंगे को गति देता रहा। पीएम मोदी ने कहा मानवता में बसे बुद्ध सबको प्रेरणा दे रहे हैं, भगवान बुद्ध ने कहा था अपना दीपक स्वयं बनो। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने प्रधानमंत्री को बुद्ध की प्रतिमा भेंट की। कुशीनगर एयरपोर्ट के उद्घाटन पर अखिलेश यादव की चुटकी, कहा शिलान्यास की एक ईंट तक नहीं लगाई, एसपी के काम का उद्घाटन करने आए भाजपाई। पीएम मोदी ने हस्तलिपि और बौद्ध कलाकृतियों की प्रदर्शनी का निरीक्षण किया, गुजरात के वडनगर और अन्य स्थलों में खुदाई के दौरान मिली अजंता भित्ति चित्र भी देखे। जम्मू कश्मीर के शोपियान में मुठभेड़, लश्कर के 2 आतंकियों को मौत के घाट उतारा, सेना के 3 जवान घायल। एनकाउंटर में मारे गए आतंकी का नाम आदिल वानी, पुलवामा में मजदूर की हत्या में शामिल था, 2 हफ्ते में 15 आतंकी ढेर। जम्मू कश्मीर में टारगेट किलिंग मामले में एक्शन में आए, श्रीनगर, बारामूला समेत 11 ठिकानों पर की छापेमारी। अमृतसर में बड़ी साजिश का खुलासा, खेमकरण सेक्टर में सर्च ऑपरेशन के दौरान संदिग्ध बैग से 22 पिस्तौल, 44 मैगजीन, 100 राउंड गोलियां बरामद, 1 किलो हेरोइन, 72 ग्राम अफीम भी मिली। जम्मू कश्मीर में आतंकी हमलों को लेकर एक्शन, श्रीनगर में लाल चौक पर सीआरपीएफ महिला विंग की तैनातगी। अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर पर चीन के नाबाक मंसूबों को जवाब देने की पूरी तैयारी, तवांग में फॉरवर्ड एरिया में L-70 एयर डिफेंस गन तैनात। सुप्रीम कोर्ट ने रिपोर्ट पेश करने में देरी पर यूपी सरकार को लगाई फटकार, चीफ जस्टिस ने कहा कम से कम 1 दिन पहले फाइल करनी चाहिए थी रिपोर्ट। चीफ जस्टिस का उत्तर प्रदेश सरकार से सवाल, 34 गवाहों में से सिर्फ 4 के ही बयान 164 में दर्ज किए। लखीमपुर कांड को लेकर यूपी पुलिस ने जारी की 6 तस्वीरें, तिकुनिया मोड़ की तस्वीरें, पहचान बताने वालों को मिलेगा इनाम। आसाराम बापू के बेटे नारायण साईं को नहीं मिलेगा 2 हफ्तों का फरलो, सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किया गुजरात हाईकोर्ट का फैसला। मिलिट्री इंजीनियर सर्विसेज के किए गए नए वेब बेस्ड मॉनिटरिंग पोर्टल लॉन्च, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया लॉन्च। फिर बड़े तेल के दाम, दिल्ली में पेट्रोल और डीजल 35 पैसे महंगा, पेट्रोल 106 रुपए के पार, डीजल पहुंचा 95 के करीब। मुंबई में भी पेट्रोल 34 पैसे बढ़कर पहुंचा 112 रुपए के पार, डीजल 103 रुपए के करीब। पीएम मोदी आज ग्लोबल ऑयल एंड गैस सेक्टर के सीईओज और विशेषज्ञों से करेंगे बातचीत, शाम 6 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करेंगे संवाद। ऑयल एंड गैस सेक्टर के विशेषज्ञों से 6ठी बार बातचीत करेंगे पीएम, हाइड्रोकार्बन क्षेत्र में खोज उत्पादन बढ़ाने, स्वच्छ विकास और स्थिरता पर भी चर्चा करेंगे। 3 दिन के अयोध्या दौरे पर पहुंचे संघ प्रमुख मोहन भागवत, आज कर सकते हैं रामलला के दर्शन, राम मंदिर का निर्माण कार्य भी देखें। गांधीनगर में अपने पैतृक शहर मानसा में अमित शाह ने बहाचौर मंदिर में की पूजा अर्चना, पत्नी और बेटे भी रहे मौजूद। टीडीपी के पार्टी दफ्तर में तोड़फोड़ के खिलाफ टीडीपी ने बुलाया बंद, विजयवाड़ा में प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया।
किया। आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम में भी टीडीपी का प्रदर्शन, सांसद राममोहन नायडू भी प्रदर्शन में रहे शामिल। आंध्र प्रदेश के तिरुपति में सड़कों पर उतरे टीडीपी कार्यकर्ता, पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया। टीडीपी दफ्तर में तोड़फोड़ पर भड़के चंद्रबाबू नायडू, कहा राजनीतिक जीवन में ऐसा अत्याचार कभी नहीं देखा। सीएम और डीजीपी पर दफ्तरों पर हमले का आरोप लगाया। बांग्लादेश में मंदिरों पर हिंदुओं पर हो रहे हमलों पर बोले जावेद अख्तर, कहा अल्पसंख्यकों के साथ अन्याय चिंता के बाद शेख हसीना के यहाँ ऐसा होना शर्मनाक। अमेरिका ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमलों की निंदा की। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने कहा मामले की जांच करे बांग्लादेश सरकार, धर्म की स्वतंत्रता मानवाधिकार। आज शाम उत्तराखंड जाएंगे गृहमंत्री अमित शाह, बाढ़ और बारिश के बाद हालात का लेंगे जायजा, कल करेंगे हवाई सर्वे। उत्तराखंड में बारिश और बाढ़ से मरने वालों की तादाद हुई 47, केवल कुमाऊं रीजन में 42 लोगों की गई जान, 11 लापता। फिर शुरू हुई केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री की यात्रा, जोशीमठ के बाद बद्रीनाथ हाईवे बंद होने से बद्रीनाथ यात्रा पर अब भी रोक। सीएम धामी ने खटीमा में ट्रैक्टर पर बैठकर बाढ़ प्रभावित इलाकों का लिया जायजा, लोगों को पूरी मदद का दिया भरोसा। उत्तराखंड में बारिश में आई कमी, सीएम धामी ने कहा हालात सामान्य होने में लगेगा समय, कई जगह सड़कें बह गई, नदियों ने रास्ता बदला। सीएम धामी ने कहा बंद पड़ी सड़कों को खोलने के लिए युद्ध स्तर पर काम जारी, फंसे सैलानियों को सुरक्षित निकालना प्राथमिकता। सीएम धामी ने मुआवजे का ऐलान किया, मृतकों के परिजनों को 4 लाख की मदद, जिनके आशियाने बह गए उन्हें 1,09,000 की मदद। उत्तराखंड के डीजीपी ने भी कहा राज्य में कई हाईवे खोले गए, हल्द्वानी अल्मोड़ा रोड बहाल करने में लगेगा वक्त। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी से की बात, हेल्थ वॉलंटियर्स को बाढ़ प्रभावित इलाकों में मदद पहुंचाने के लिए कहा। नैनीताल में सड़कों पर अभी भी जलभराव, मुख्य बाजार में पानी जमा होने से लोगों को हो रही काफी दिक्कत। उत्तराखंड में भारी बारिश के बाद बाढ़ और लैंडस्लाइड ने बढ़ाई मुश्किलें, नैनीताल में कई पर्यटक फंसे, बिजली पानी न मिलने से बड़ी परेशानी। पर्यटकों ने स्थानीय प्रशासन के खिलाफ जताई नाराजगी, कहा किसी भी तरह की नहीं कर रहे मदद। नैनीताल में लैंडस्लाइड से तबाही की तस्वीरें आई सामने, डोलमर में सड़कों पर बड़े बड़े पत्थर गिरने से आई दरारें, मकानों को भी पहुंचा नुकसान। उत्तराखंड के रुद्रपुर के रिहायशी इलाकों में एसडीआरएफ का रेस्क्यू ऑपरेशन, फंसे लोगों को निकाला। मुरादाबाद में दिल्ली लखनऊ हाईवे पर भरा पानी, हाईवे पर रोका गया ट्रैफिक। नेपाल में भारी बारिश और लैंडस्लाइड से अब तक 30 लोगों की मौत, 45 लोग लापता, 500 से ज्यादा लोग विस्थापित। नेपाल में भारी बारिश के बाद बाढ़ से हाहाकार, बाढ़ की चपेट में कई जिले, पानी में फंसे लोगों को किया जा रहा रेस्क्यू। मुलाकात के बाद बोले राजभर, अब की बार बीजेपी साफ, बीजेपी ने दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों को दिया धोखा। लखनऊ में रोका गया प्रियंका गांधी का काफिला, सफाई कर्मी के परिवार से मिलने जा रही थी प्रियंका। आगरा में सफाई कर्मी की मौत, मामले में दोषी पुलिस कर्मियों पर केस दर्ज, परिवार की तहरीर पर 302 का मामला दर्ज, पुलिस की मौजूदगी में होगा अंतिम संस्कार। आगरा में पुलिस कस्टडी में सफाई कर्मी की मौत पर पुलिस स्टेशन के बाहर परिवार का प्रदर्शन, मालखाने से 25 लाख की चोरी के आरोप में था गिरफ्तार। कस्टडी में सफाई कर्मी की मौत पर पुलिस की सफाई, आरोपी ने पूछताछ में घर पर पैसे रखने की कबूली थी बात, घर ले जाते समय बिगड़ी आरोपी की तबीयत, अस्पताल में परिवार के सामने तोड़ा था दम। राहुल गांधी ने वाल्मीकि जयंती के मौके पर शोभा यात्रा को दिखाई हरी झंडी, कहा गरीब दलित भाई बहनों पर हो रहा है आक्रमण, कांग्रेस ये आक्रमण नहीं होने देगी। हरीश रावत ने राहुल गांधी से की मुलाकात, उत्तराखंड विधानसभा चुनाव से जुड़े कई मुद्दों पर की चर्चा। हरीश रावत ने अमरिंदर के ऐलान पर जताई हैरानी, कहा अपने अंदर के सेक्युलर अमरिंदर को मार डाला, बीजेपी के खिलाफ कुछ करने की बजाय दे रहे हैं साथ। कैप्टन अमरिंदर सिंह के नई पार्टी बनाने के ऐलान से तिलमिलाई कांग्रेस, पंजाब के डिप्टी सीएम सुखजिंदर सिंह रंधावा ने धोखेबाज और गद्दार कहा। सुखजिंदर सिंह रंधावा ने कहा पार्टी पर बोझ बन गए थे कैप्टन अमरिंदर, ईडी और मनी लॉन्ड्रिंग के केस से बचने के लिए बीजेपी से किया गठबंधन। पंजाब की पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह का बड़ा सियासी धमाका, नई पार्टी बनाने का किया ऐलान, जल्द करेंगे पार्टी के नाम का ऐलान। अमरिंदर ने बीजेपी से गठबंधन के दिए संकेत, कहा अगर किसानों का मुद्दा सुलझ जाता है तो बीजेपी के साथ जा सकते हैं। अमरिंदर सिंह ने अकाली दल से अलग हुए समान विचारधारा वाली राजनीतिक पार्टियों से भी गठबंधन की जताई उम्मीद, ढींसा और ब्रह्मपुरा गुट का लिया नाम। पंजाब के कैबिनेट मंत्री प्रगट सिंह का अमरिंदर पर निशाना, बोले मैंने पहले कहा था अकाली दल से मिले हैं कैप्टन, बीजेपी से तय होता था उनका एजेंडा। अमरिंदर के बाद अब सीएम चन्नी से भी बिगड़ रहे नवजोत सिंह सिद्धू के रिश्ते, सूत्रों के मुताबिक रविवार को बैठक के दौरान दोनों के बीच हुआ टकराव। सिद्धू के 13 सूत्रीय मुद्दा उठाने पर खफा हुए चन्नी, मुख्यमंत्री पर छोड़ने की कही बात, सिद्धू को 2 महीने में परफॉर्म कर दिखाने को कहा। शिवसेना सांसद भावना गवली आज ईडी के सामने होंगी, नहीं हुई पेश और 15 दिन की मोहलत ईडी से मांगी। एनसीबी सुप्रीमो शरद पवार ने महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे के घर जाकर की मुलाकात, करीब 40 मिनट तक चली बैठक। शिवसेना ने सामना के जरिए पीएम मोदी पर साधा निशाना, कहा तालियां और थालियां बजाने से नहीं भागा कोरोना, साइंस और मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर से बची लोगों की जान। महाराष्ट्र कांग्रेस प्रवक्ता सचिन सावंत ने दिया इस्तीफा, महाराष्ट्र अध्यक्ष नाना पटोले से विवाद के बाद दिया फैसला। यूपी में कांग्रेस को लगा बड़ा झटका, प्रियंका के सलाहकार हरेंद्र मलिक और उनके बेटे पंकज मलिक ने छोड़ी पार्टी, समाजवादी पार्टी में हो सकते हैं शामिल। उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री हरक सिंह के कांग्रेस में जाने की अटकलें, कांग्रेस नेता प्रीतम सिंह और ब्रह्मस्वरूप ब्रह्मचारी ने की उनके घर पर मुलाकात।
दिवाली से पहले दिल्ली सरकार ने किसानों को दी बड़ी राहत। जिन किसानों की फसल हुई बर्बाद उन्हें 50,000 रुपए प्रति हेक्टेयर मुआवजा। सीएम केजरीवाल ने सभी डीएम्स और एसडीएम्स को दिया निर्देश, किसानों के नुकसान पर 2 हफ्ते में करें मूल्यांकन। केजरीवाल का दावा, किसानों को सबसे ज्यादा मुआवजा दिल्ली सरकार ने दिया, मुआवजे की नई किश्त अगले महीने देंगे। मध्य प्रदेश के खुजराव में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने गाँव वालों से किया संवाद, कहा अफसरों की बजाय सरपंच ही संभाले विकास की जिम्मेदारी, जनता का चुना हुआ व्यक्ति करता अच्छा काम। शिवराज सिंह चौहान ने कमलनाथ पर साधा निशाना, सरपंचों से पूछे सवाल, कमलनाथ के शासन में क्या मिलता था पैसा? सरपंचों ने कहा फंड नहीं आया लेकिन जांच का नोटिस जरूर मिला। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद बिहार विधानसभा के शताब्दी समारोह में होंगे शामिल, गुरुवार को विधानमंडल के सदस्यों को करेंगे संबोधित। इम्फाल दौरे पर केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह, कहा पूर्वोत्तर क्षेत्र को जैव आर्थिक केंद्र से रूप में विकसित किया जाएगा, दुनिया में 5 देशों में शामिल होगा भारत। जयपुर के खेतपुरा में महिला की गला रेत कर हत्या, हमलावरों ने चांदी की पायल लूटने के लिए कोट काटे महिला के पैर। महिला की हत्या से नाराज लोगों ने शव रखकर किया प्रदर्शन, परिजनों के लिए मुआवजे और सरकारी नौकरी की मांग। महिला की हत्या पर राज्यवर्धन सिंह राठौड़ का गहलोत सरकार पर हमला, कहा अपराधियों में पुलिस का खौफ नहीं। दिल्ली के बिंदापुर हत्याकांड में 3 आरोपी गिरफ्तार, सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पकड़े गए आरोपी। दिल्ली के बिंदापुर में एक लड़की की हुई थी सरेआम हत्या, पूर्व प्रेमी ने चाकू से ताबड़तोड़ किए कई बार। ग्रेटर नोएडा के दादरी में एक सिरफिरे ने लड़की को मारी गोली, लड़की की हुई मौत, लड़की की हत्या कर खुद को भी मारी गोली। युवक की हालत गंभीर, ग्रेटर नोएडा के जिला अस्पताल में किया गया रेफर, लड़की का शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। उज्जैन रेप केस के आरोपी को पकड़ने के लिए पुलिस ने लगाए पोस्टर्स, बडनगर के कांग्रेस विधायक के बेटे पर है आरोप। जर्मनी के एनआरआई से धोखाधड़ी के आरोप में दिल्ली पुलिस ने 5 लोगों को किया गिरफ्तार, 1,35,00,000 की धोखाधड़ी का आरोप। पंजाब के संगरूर में बड़ी आतंकी साजिश बेनकाब, देसी पिस्टल के साथ संदिग्ध गिरफ्तार। गिरफ्तार आरोपी लखबीर सिंह राज मिस्त्री का काम करता था, पुलिस को इंटेलिजेंस एजेंसी से मिली सूचना, हथियार के साथ गिरफ्तार। तिरुवनंतपुरम में एक महिला ने अपने पेरेंट्स के खिलाफ दर्ज कराई शिकायत, 2 दिन के अपने बच्चे के लापता करने का आरोप लगाया। यूपी के बिजनौर में 1.5 किलो चरस और हथियार के साथ 3 शातिर चोर अरेस्ट, निर्माणाधीन मकान से चोरी किए गए थे करीब 4 लाख रुपए के सामान। मथुरा पुलिस ने 24 घंटे के अंदर कातिल मां को किया गिरफ्तार, 2.5 साल की बच्ची की हत्या का आरोप। एटा पुलिस को मिली बड़ी सफलता, 25,000 के इनामी इंस्ट्रक्टर को मुठभेड़ के बाद किया गिरफ्तार। यूपी के शाहजहांपुर में 2 शातिर चोर गिरफ्तार, अवैध हथियार भी बरामद। शाहजहांपुर में 85 लाख रुपए कीमत की स्मैक बरामद, 2 तस्करों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। दिल्ली में 90 किलो अवैध पटाखों के साथ एक शख्स गिरफ्तार, आरोपी ने पुरानी दिल्ली में बेचने के लिए फरीदाबाद से खरीदे पटाखे। नागपुर में गिरा अंडर कंस्ट्रक्शन ब्रिज का बड़ा हिस्सा, हादसे में बाल बाल बचे लोग। हादसे के वक्त पुल निर्माण का काम रुका हुआ था, NHAI कर रहा है पुल का निर्माण, जाँच के दिए गए आदेश। दिल्ली सरकार ने डेंगू की रोकथाम के लिए कसी कमर, फॉगिंग ड्राइव को किया तेज। यूपी के मुरादाबाद में डेंगू के बढ़ते मामले, 6 दिन में 47 नए मामले सामने आए। राजस्थान में डेंगू से निपटने के लिए डोर टू डोर सर्वे, कई इलाकों में की जा रही है फॉगिंग, राजस्थान में डेंगू से अब तक 10 लोगों की मौत। राजस्थान सरकार ने डेंगू से निपटने के लिए स्वास्थ्य कर्मियों की छुट्टियां भी रद्द की। जम्मू कश्मीर के पुंछ में भारतीय सेना ने लगाया मेडिकल कैंप, बॉर्डर इलाके के लोगों के लिए लगाया ये कैंप। गुजरात में 5 दिवसीय तलवार रास का आयोजन, राजकोट में राजपूत महिलाओं ने दिखा तलवारबाजी का हुनर। शरद पूर्णिमा पर प्रयागराज में संगम तट पर आस्था की डुबकी, सुबह से पवित्र स्नान कर रहे हैं श्रद्धालु। पुणे में शरद पूर्णिमा के मौके पर फ्री में बांटा गया दूध, सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ी धज्जियां, बिना मास्क के दिखे लोग। उत्तर प्रदेश में सब्जियों के दाम बढ़ने से लोग परेशान, पहले के मुकाबले कम सब्जी खरीद रहे हैं लोग। मणिपुर पुलिस का 130वां स्थापना दिवस परेड, सूबे के सीएम एन बीरेन सिंह चीफ गेस्ट के रूप में रहे मौजूद। कोविड महामारी से उभर रहा ज्वेलरी निर्यात कारोबार, पिछले साल की तुलना में आभूषणों का निर्यात 7.14% बढ़ा। पंजाब के फिरोजपुर में बिजली से जलाई जा रही पराली, पराली को फैक्ट्री में भेज रहे किसान। दिल्ली सरकार का सर्दियों से पहले वाहनों के लिए प्रदूषण प्रमाण पत्र पर जोर, पेट्रोल पंपों पर शुरू हुआ चेकिंग अभियान। देश में कोरोना के 14,623 नए मामले, 24 घंटे में 197 लोगों ने तोड़ा दम। केरल में कोरोना के 7,643 नए केस, 24 घंटे में 77 लोगों ने कोरोना से गंवाई जान। महाराष्ट्र में कोरोना के 1,638 नए मामले, 24 घंटे में 49 मरीजों की मौत। मुंबई में बीएमसी ने बढ़ाई वैक्सीनेशन की रफ्तार, शुरू की मोबाइल वैक्सीनेशन ड्राइव। महाराष्ट्र में होटल्स और रेस्टोरेंट रात 12 बजे तक खुले रहेंगे, सभी दुकानें रात 11 बजे तक खुलेंगी। दिल्ली में कोरोना के 36 नए मरीज मिले, 1 मरीज की मौत, राज्य में कोरोना के 322 एक्टिव मामले। रूस में बेकाबू होता जा रहा है कोरोना, मॉस्को में लगाई गई सख्त पाबंदियां। सीरिया की राजधानी डमास्कस में 2 बम धमाके चपेट में आई सेना दिवस, 14 लोगों की हुई मौत, 3 लोग घायल। नॉर्थ कोरिया ने फिर किया बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण, एडवांस कंट्रोल तकनीक से लैस मिसाइल को सबमरीन से किया गया लॉन्च। तालिबान सरकार की भड़काऊ कार्रवाई, गृह मंत्री सिराजुद्दीन हक्कानी ने अमेरिकी और अफगान सैनिकों पर फिदायीन, हमलावरों के रिश्तेदारों को जमीन देने का किया ऐलान। अफगानिस्तान में 5 साल से कम उम्र के सभी बच्चों को लगेगी पोलियो की वैक्सीन, तालिबान के वैक्सीनेशन कैंप को दी गई मंजूरी। डोनाल्ड ट्रंप के मुख्य सलाहकार स्टीव बैनन के खिलाफ अवमानना के आरोपों की होगी जांच, कैपिटल हिंसा की जांच कर रही कमेटी ने दी मंजूरी। अमेरिका के लॉस एंजलिस में एक बिजनेस सेंटर में लगी आग, आग में झुलसने से 2 लोगों की मौत। बिल्डिंग में विस्फोट के बाद धुएं का गुबार निकलने लगा, आग लगने के बाद बिल्डिंग से जली हुई हालत में कई लोग निकलकर भाग गए। ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स में रेलवे ट्रैक पर गाड़ी से टकराई ट्रेन, हादसे में ड्राइवर और गार्ड समेत 4 लोग घायल।
जापान के माउंट एसो में फटा ज्वालामुखी, आसमान में उठा काले धुएं का गुब्बा। प्रशासन ने माउंट एसो समेत आसपास के दो शहरों में चेतावनी जारी की, लोगों को कुछ दिनों के लिए इलाके से दूर रहने को भी कहा। स्पेन के ला पाल्मा ज्वालामुखी से लावा का लगातार निकलना जारी, लावा वोल्केनो से निकलकर नदी के रूप में बहता नजर आया। ज्वालामुखी से निकल रही राख आसमान में कई किलोमीटर तक पहुंची, लगातार हो रहे विस्फोट से इलाके में महसूस किए जा रहे भूकंप के झटके। लावे के प्रभाव से अब तक 1800 घरों को पहुंचा नुकसान, करीब 1900 एकड़ जमीन पर फैला लावा। अमेरिका के टेक्सास में उड़ान भरने के तुरंत बाद प्लेन हुआ क्रैश, विमान में सवार क्रू मेंबर सहित सभी 21 लोगों को बचाया। क्रैश होने के बाद विमान में लगी आग, सभी पैसेंजर्स को आग लगने से पहले प्लेन से बाहर निकाला गया। यमन में जारी हिंसा में मारे गए और घायल हुए बच्चों की संख्या पहुंची 10,000 के पार। यूनिसेफ ने सभी पक्षों की तुरंत युद्ध रोकने की अपील की। हैती में अमेरिकी मिशनरीज की किडनैपिंग के खिलाफ सड़कों पर उतरे लोग, $1 मिलियन की फिरौती मांग रहे हैं किडनैपर्स। हमास ने इसराइल को दूसरे युद्ध की दी चेतावनी, कहा जब तक फिलिस्तीन पर इसराइल का कब्जा खत्म नहीं होता तब तक जारी रहेगी जंग। जर्मनी की एनजीओ सी वॉच ने भूमध्य सागर में करीब 412 प्रवासियों को किया रेस्क्यू, 7 अलग अलग ऑपरेशन चलाए गए। बगदाद में फतेह गठबंधन के समर्थकों ने किया प्रदर्शन, संसदीय चुनाव की वोटों की गिनती को दोबारा मैनुअल कराने की मांग की। अमेरिका के फिलाडेल्फिया में चलती ट्रेन में रेप की वारदात को अंजाम देने वाले शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार किया। जनवरी में IMF की चीफ इकोनॉमिस्ट पद से इस्तीफा देंगी गीता गोपीनाथ, फिर लौटेंगी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।